नई सुबह नई उम्मीदें, ऐ खुदा खैर की खबरों के उजाले रखना। 2024 में कदम रख चुके हैं आज हम, 2023 को अल्लाह हाफिज़ कहते हुए कुछ दिल भी दुखा, कुछ बातें याद आई, कुछ यादें याद आई, कुछ अपने याद आए, कुछ पराए याद आए। लेकिन वक्त का काम है चलना, वक्त चलता ही रहता है। 2023 भी गुजरा, कुछ खुशियाँ दी, कुछ गम दिए, कुछ अच्छे पल, कुछ बुरे पल। बस दुआ ये है कि नया साल शुरू हो रहा है और हमारे मुल्क के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक उम्मीदें लेके आया है कि कुछ अच्छा होगा, इंशाल्लाह ताला अच्छा होगा। सब लोग ये कह रहे हैं कि हम कयामत के करीब पहुंच चुके हैं, सब ख़त्म हो जाएगा। हमें नहीं पता कि सब कब ख़त्म होगा, लेकिन इतनी मेरी दुआ है कि जब तक हैं, जब तक सांस चल रही है, जब तक जी रहे हैं, तब तक अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिए। अल्लाह हमें अच्छे से रखे, अल्लाह सब की मुश्किलात आसान करे। बहुत ज़्यादा क्राइसिस में दुनिया चल रही है, लेकिन उम्मीद सिर्फ ऊपर है, और वो जानता है कि पल में क्या अच्छा कर दे। और बस इसी के सहारे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप सबको भी नए साल की बहुत सारी मुबारकबाद। हमारा नया साल इस्लामिक साल तो नहीं है, लेकिन फिर भी दुनिया के साथ तो चलना है। तो मेरी हार्टली विशेस आपके लिए हैं कि 2024 सब के लिए बहुत खुशियों भरा हो, सबको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले इंशाल्लाह ताला। और आप सब भी हमारे लिए, हमारी फैमिलीज़ के लिए, हमारे घर वालों के लिए दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो साथ साथ रहेंगे। और नए साल में तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, मेरा वॉच टाइम बढ़ा दें प्लीज़। नया साल है यार, कुछ तो करेंगे ना प्लीज़। हैप्पी न्यू ईयर।